हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम। माई सेल्फ रीनाक्षी सोनी वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। सो माई सेल्फ रीनाक्षी सोनी फ्रॉम गीता ग्लोबल स्कूल। आई एम योर मैथ टीचर फॉर क्लास वन। तो स्टूडेंट, दिस इज योर कोर्स बुक, NCERT बुक, मैथ मैजिक क्लास वन। लास्ट वीडियो मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 डेटा कलेक्शन के बारे में बताया था, मतलब डेटा हैंडलिंग के बारे में बताया था। उसको कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था वो भी हमने आपको बताया था कि डेटा कलेक्शन में हम डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स में, वर्ड्स में, ग्राफ में, पिक्चर्स में, ठीक है, और शेप्स में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है चैप्टर नंबर 9 10। चैप्टर नंबर 10 पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होता है बच्चों? पेज नंबर 111। पैटर्न्स क्या होता है वो मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी। तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होता है? किसी भी चीज की आकृति, ठीक है। ये हमारे पास जो भी चीज है इस वर्ड में, जो भी चीज है वो क्या है, किसी ना किस आकृति में होती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम पैटर्न्स बोलते हैं। जैसे ये पेंसिल है, इस पेंसिल का पैटर्न क्या है? दिस इज अ लॉन्ग, लंबी है। जो हमारी बुक है उसका पैटर्न क्या होता है? बॉक्स है, उसका पैटर्न क्या होता है, ठीक है। कुछ भी, एनी वन, ठीक है। हम क्लॉथ्स पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, तो उनमें क्या होते हैं? डिजाइंस होती हैं। क्या होती है? डिजाइंस होती है, वो क्या होता है? पैटर्न होता है। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टाइल्स होती है, हमारा फर्श होता है, फ्लोर होता है, ठीक है। उनमें हम डिज़ाइन लगवाते तो वो क्या होता है? पैटर्न होता है। आप रोड पे जा रहे हैं, रोड पे जैसे फुटपाथ होता है ना, जिस पे हम जैसे रोड पे तो हम चल नहीं सकते, रोड के पास में एक छोटी सी स्पेस होती है जिसको हम क्या करते हैं, वॉकिंग के द्वारा उस पे चलते हैं ताकि कोई सी गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उस जिस पे हम चलते हैं वो फुटपाथ जो क्या होता है, उसमें एक डिज़ाइन होती है। तो वो डिज़ाइन भी क्या होती है? अलग अलग पैटर्न्स की बनी होती है। तो ऐसे कुछ भी जो बिल्डिंग्स हैं, उन सबका एक सी बिल्डिंग तो नहीं होती है, सब बिल्डिंग्स का अलग अलग पैटर्न होता है। तो उसी चीज़ को मैं अब यहाँ पर आपको बताऊँगी। तो उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताती हूँ, तो लिसन केयरफुली। पैटर्न्स, अ पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ शेप्स, लेटर्स और नंबर्स अरेंज्ड इन अ आइडेंटिफाई ऑर्डर। जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? एक क्रम में होता है। वो किस में होता है? शेप्स में भी हो सकता है, लेटर्स में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है, जिनको हम क्या करते हैं, अरेंज करके एक ऑर्डर में आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए यहाँ पर ये जो टी है वो क्या है? पहले स्लीपिंग है, फिर स्टैंडिंग है, फिर इसको हमने क्या हुआ, अलग पैटर्न में कर दिया। तो पहले की स्टैंडिंग लाइन कर दी, फिर स्लीपिंग लाइन कर दी, फिर अगेन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लीप लाइन, मतलब इसका पैटर्न हमने दो बार चेंज कर दिया। पहले तो हमने इसको क्या कर दिया, सीधा कर दिया, फिर हमने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो क्या है, सर्किल। सर्किल के बाद क्या आया, स्क्वायर, फिर सर्किल, फिर स्क्वायर, फिर सर्किल, फिर स्क्वायर, फिर सर्किल। इस तरीके से क्या, ये सीक्वेंस में अरेंज अरेंज में पैटर्न्स बनते चले जाएंगे। अब ये पैटर्न्स हमको किस किस चीज़ों में, कितने भाग में डिवाइड करते हैं हम उनको, 3 पार्ट्स में, फिगर्स में, शेप्स में और नंबर्स ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसका जो पैटर्न है, या इसको और अलग से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे यहाँ पर है कुछ शेप्स आपको यहाँ पर दी हुई है, अब आपको क्या करना है, इनको पहले तो अच्छे तरीके से देखना है और इनके बाद कौन सी शेप्स आएगी, मतलब नेक्स्ट शेप। तो देखिए, अप डाउन, अप डाउन, देन अप एंड देन
डाउन देन अप देन सॉरी डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद क्या है सर्किल, फिर टू स्टैंडिंग लाइन सर्किल, फिर टू स्टैंडिंग लाइन सर्किल, फिर टू स्टैंडिंग लाइन सर्किल, टू स्टैंडिंग लाइन सर्किल। इस तरीके से पैटर्न क्या है अरेंज होता चला जाएगा। अब ये देखिए एरो कहाँ है, ऊपर की साइड मतलब अप है, और इस वाले एरो का ये वाला जो एरो है वो कहाँ है नीचे की साइड मतलब डाउन है, फिर अप डाउन अप डाउन देन अप डाउन अप डाउन। इस तरीके से क्या है ये चलता चला जाएगा। और इसी तरीके से आप क्या करोगे इन सभी पैटर्न्स को आगे फिल करेंगे। ये तो क्या हुआ हमारा शेप्स का हो गया, ठीक है फिगर्स जो हमारे पास होती है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे नेक्स्ट पेज को कवर करेंगे, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन अ सीक्वेंस। अब इसे पूछा है कि आगे क्या आएगा सीक्वेंस में, ठीक है तो उसके लिए आप पहले पिक्चर देखिए फिर आप बताइए। देखिए यहाँ पर सर्किल सन सर्किल सन फिर सर्किल सन फिर सर्किल, फिर देखिए यहाँ पे जो हाफ है वो अप है फिर डाउन है फिर अप है फिर डाउन है। इस तरीके से आपको ये आगे का करना है, फिर इस तरीके से ये वाला जो शेप है फिर उसके बाद ये शेप फिर ये शेप फिर ये शेप फिर इसके बाद इन सारी चीज़ों को आपको फिल करना है इस वाले बॉक्सेस में। इसी तरीके से यहाँ पर इनको फिल करना है, तो एक दो एग्जांपल मैं बता देती हूँ फिर आप खुद से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिल इन द बॉक्सेस इन सीक्वेंस, आपको इन बॉक्सेस को सीक्वेंस में फिल करना है। लीव्स फ्लावर लीव्स फ्लावर लीव्स फ्लावर फिर यहाँ पर क्या आएगा लीव्स, ठीक है ऐसे ही यहाँ पर वन है ठीक है, लीव यहाँ पर कितनी हो गई थ्री, फिर यहाँ पर कितनी होगी वन टू थ्री फोर फाइव, अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी वन थ्री फाइव, फिर यहाँ पर सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है अब यहाँ पर कितनी होगी नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, मतलब ऑड नंबर हो गया वन थ्री फाइव सेवन नाइन। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, पहले ये बॉक्स था हट बना हुआ था फिर उसमें से हमने एक लाइन को मिस कर दिया फिर दूसरी को हटाया फिर यहाँ पर कौन सी हटेगी फिर कौन सी आएगी, ठीक है इस तरीके से आपको ये फिल करना है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं नंबर्स, नंबर्स में भी हम क्या करते हैं पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टडी द पैटर्न एंड फिल द मिसिंग नंबर, आपको पहले पढ़ना है और फिर उसके बाद नंबर्स को फिल करना है। तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन एलेवन और ट्वेल्व, फिर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी नाइनटीन एटीन सेवनटीन सिक्सटीन, ठीक है इस तरीके से आप क्या करेंगे इनको फिल करेंगे और आपको ये पेज नंबर 10116 तक फिल करना है। तो दिस इज़ योर होमवर्क पेज नंबर 112116, तो दिस इज़ योर होमवर्क, तो यू विल डू दिस वर्क एट योर होम इन बुक। ओके बच्चों, तो पैटर्न के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज़ वेरी सिंपल गॉट इट। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर, ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए गुड डे हैव ए नाइस डे, थैंक यू।